हेलो, व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं वापस से आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक न्यू फार्म के बारे में। सो आज मैं आपको फ्रॉग लाइट फार्म, दैट इज जो कि एक न्यू फार्म है, उसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ गाइस। सो लेट्स गो, शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम लोग बैस्टियन में आ चुके हैं। आपको बैस्टियन में कुछ इस तरीके से, ये नीचे में ही जो है इसको आपको ढूंढ लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको पहले इस चीज़ को कवर अप कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो ओके गाइस, इसे कवर करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कुछ, ये जो आप मेरे हॉट बार में देख सकते हैं, ये सब सामान यूज़ होगा और ये सब इम्पॉर्टेंट सामान है गाइस। और पहले तो ये देखो कितना सारा स्पॉन हो रहा है, पहले तो इसको हमें बंद करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। हम लोग को चार चार ब्लॉक चारों तरफ से घेर के इसे बंद करना पड़ेगा, 1 2 3 4, और चारों तरफ से इसी प्रकार से हम लोग को पहले घेर लेना है। ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आप सभी लोग उनको इसको ऐसे कवर कर देना है, और फिर इस सब का मतलब ये सब को तोड़ के साइड का इसका कुछ इस तरीके से के इसका फ्रेम कुछ इस तरीके से लेकर, और कुछ इस तरीके से फ्रेमवर्क कर देना है गाइस, और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको पूरा कवर अप कर देना है। उसके बाद गाइस हम लोग चलते हैं पहले अंदर इसके, यहाँ पे तो पूरा भर गए हैं भाई साहब। यहाँ से कितना हम लोगों को फ्रॉग लाइट मिलेगा आप सोच ही सकते हो गाइस। सो लेट्स गो, कुछ इस तरीके से भर लेना है, और उसके बाद यहाँ इस जगह पे आप कोई भी कॉर्नर ले सकते हो, मैं इस कॉर्नर को चूज़ किया हूँ। इस जगह पे एक 2x3 का होल कर लेना है कुछ इस तरीके से। और फिर इसको 5 ब्लॉक डीप कर देना है। सो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से 5 ब्लॉक्स डीप इसको कर लेना है कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ये दीवार के अंदर 5 ब्लॉक्स डीप अंदर जाएंगे कुछ। सो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं इसको 5 ब्लॉक डीप अंदर कर चुका हूँ। अब मुझे इस लावा को मिटाना है, और हाँ गाइस ये याद रखना कि हमेशा इस लावा को हटाने के लिए सैंड यूज़ करना, जिससे कि आपको इजी होगा कुछ इस तरीके से सैंड यूज़ करना है। सो ओके गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम लोग 5 ब्लॉक डीप अंदर कर चुके हैं और 5 ब्लॉक डीप नीचे भी कर चुके हैं। अब दूसरे अब हमारा फिर काम आता है इसको तोड़ देने का। इसको आपको तोड़ लेना है गाइस कुछ इस तरीके से, अभी नहीं तोड़ना है, सॉरी सॉरी, अभी नहीं तोड़ना है। फिर आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ पे 2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे एक डबल चेस्ट लगाना है, और यहाँ पे फिर आप लोग उनको हॉपर्स अटैच कर देना है इसमें कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइस आप सभी लोग उनको ग्लास लेके कुछ इस तरीके से इसको पूरा कवर अप कर लेना है। ये होने के बाद अभी हम लोग अपने चेम्बर में चले जाते हैं, उसके बाद फिर अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। ये होने के बाद यहाँ पे हम लोग उनको 1 ब्लॉक का गैप छोड़ के यहाँ पे स्नो लगा देना है। अरे देखो मुझे ही फ्रोस्ट बाइट होने लगा, अरे यार हट जा। ओके, कुछ इस तरीके से होने के बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे और एक काम करके फिर सीधा यहाँ से निकल जाएंगे।
यहाँ पे आप सभी लोगों को कुछ इसको तोड़ना है और यहाँ पे फ्रॉग ले आना है। अरे ये हॉपर क्यों ऑन हो गया? ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन फ्रॉग्स को ले आना है। अरे अंदर जा, इधर नहीं आना है तेरे को। कुछ इस तरीके से फ्रॉग्स को ले आना है और यहाँ पे अंदर चले जा। अरे ये ग्लास लगा देना है कुछ इस तरीके से। अरे यहाँ पे ग्लास नहीं लगा। ओके ये हो जाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे अंदर। उसके बाद गाइज हम लोग वहाँ जैसे एक ब्लॉक का गैप छोड़ के किया था, यहाँ पे भी एक ब्लॉक का गैप छोड़ के चारों तरफ कुछ इस तरीके से आइस से भर लेना है। और ये आइस से भरने से पहले हम लोग को इसको तोड़ लेना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से। ओके गाइज मैं जल्दी से जल्दी इसको तोड़ता हूँ और यहाँ पे पूरा आइस भरता हूँ। देखो ये कैसे यहाँ पे लगने, ये देखो गाइज कैसे यहाँ पे लगने से ये लोग डेथ होना चालू हो गए हैं। ओके गाइज मैं जल्दी से जल्दी इसको तोड़ता हूँ और यहाँ पे पूरा आइस भरता हूँ और फिर आप लोग उनसे मिल। ओके गाइज जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने ये एरिया को पूरा कवर अप कर दिया है कुछ इस तरीके से और इस एरिया को खाली छोड़ दिया जिससे कि ये लोग अंदर आके देखो ये गिर अभी से गिरना शुरू हो गए हैं और फ्रॉग इनको खा के अपना फ्रॉग लाइट ड्रॉप भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन हम लोग उनको ये लोग को ल्योर करके इधर लेके आना पड़ेगा। उसके लिए गाइस मैं एक अभी सिस्टम बनाने वाला हूँ जिसके लिए आपको आगे वीडियो में देखना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग उनको तोड़ लेना है और यहाँ पे हम लोग उनको सॉरी ये वॉल लगा देना है स्टोन्स की जिससे कि ये लोग उधर ना जा पाए। और उसके बाद हम लोग उनको यहाँ पे एक चेम्बर बनाना पड़ेगा। ओके गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक चैम्बर बना लेना है एक ब्लॉक हाइट ऊपर करके उस नीचे वाले चेम्बर से। और उसके बाद आप लोगों को कुछ ओक के फेंस ले लेना है और इसको कुछ इस तरीके से ऊपर से और नीचे से ऐसे लगा लेना है। उसके बाद आप सभी लोगों को गाइस यहाँ पे एक फेंस को कुछ इस तरीके से लगा लेना है और यहाँ पे जी हाँ गाइस यहाँ पे एक आयरन गोलम प्रोड्यूस कर लेना है कुछ इस तरीके से। जिससे कि वो लोग ल्योर होके और इसको लीश करके यहाँ पे लीश करा देना है। ये देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से वो लोग जाके उसके पास लेकिन उसके पास पहुंच नहीं पाएंगे। उसको देख के उसको मारने का कोशिश करेंगे लेकिन वो वहाँ पे जा नहीं पाएंगे और ल्योर होके इस होल में गिर जाएंगे और सीधा डेथ। ये देखो गाइस एक अभी गया है, ये देखो कुछ इस तरीके से अब ये इसको देख के सीधा नीचे चला जाएगा। ये देखो गाइस ये गया नीचे। ये देखो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और वो लोग धीरे धीरे मर मर के नीचे गिर रहे हैं और ये देखते हैं हम लोग का कितना हुआ। हो ये देखो गाइस हम लोग का 39 आ चुके हैं। और हाँ गाइस आप लोग डिफरेंट बायोम से डिफरेंट फ्रॉग यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको अलग अलग फ्रॉग लाइट मिल सकता है। मैं इसको जल्दी से जल्दी ले आता हूँ और चेकआउट करता हूँ कुछ कैसा लगता है ये लाइटों को। भाई साहब क्या ग्लो दे रहा है। अब ये देखो गाइस एक अभी आने वाला है, आप वेट करते देखते जाओ पहले। ये देखो गाइस एक नीचे गिरा, ये मारा और यहाँ पे एक फ्रॉग लाइट आ गया। ये देखो और एक आ रहा है और दो आ रहे हैं। ये देखो और एक आया नीचे गिरा और ये इसको खा लिया गया और एक फ्रॉग लाइट आ गया। कुछ इस तरीके से ये फार्म काम करता है गाइस। ओके गाइस होप यू गाइस इंजॉयड दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस।
और थोड़ा 2K और की और भी बढ़ा दो गाइस। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको, आई नो अभी 1.19 अपडेट में एक और वार्डन फार्म आया है, लेकिन वो इतना काम का नहीं है। अगर आपको वो फार्म भी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जल्द ही वो वीडियो आ जाएगी। सो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।